यस स्टूडेंट्स, नाउ अभी हम लोग और एक सम करेंगे. ओपन पेज नंबर 39, प्रॉब्लम नंबर 7. सी 39, प्रॉब्लम नंबर 7. ओके, टेक पेंसिल इन योर हैंड एज यूजुअल और मार्क करो जो भी मैं आपको कह रही हूँ. ओके, ऑन 1st अप्रैल 2009 अ फर्म परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹80,000. काइंडली मार्क 1st अप्रैल 2009 और मशीन का वैल्यू ऑब्वियसली 80,000. अडिशनल मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 30th सितंबर 2010 फॉर ₹40,000. सो मार्क 30th सितंबर 2010 एंड अमाउंट 40,000. ऑन 1st अप्रैल 2011 फॉर ₹20,000. सो मार्क अगेन April 1st 2011 और 20,000. डेप्रीसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%. रेट को मार्क करो 10% और मेथड को भी आपको मार्क करना चाहिए स्ट्रेट लाइन मेथड. शो द मशीन अकाउंट फॉर 2010, 11 एंड 12. ओके, अज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर. तो पहले ना हमें मार्क करना चाहिए कि हाउ मेनी ईयर्स वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. ओके, सी फर्स्ट ईयर विल बी, ये बेसिकली ना हमारा जॉब इजी कर देता है. देर विल नॉट बी एनी कन्फ्यूजन. 1st अप्रैल 2009 को ईयर शुरू होगा, 31st मार्च 2010 को वो ख़त्म होगा. ये हमारा हो गया फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर क्या होगा? 1st अप्रैल 2010 को शुरू होगा, 31st मार्च 2011 को वो ख़त्म होगा. थर्ड ईयर कब शुरू होगा? 1st अप्रैल 2011 को थर्ड ईयर शुरू होगा और ख़त्म कब होगा? 31st मार्च 2012 को ख़त्म होगा. इन तीन ईयर्स के लिए हम लोगों को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और भी इन तीन ईयर के लिए हमें हमारा मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है. ये बहुत ही इजी सम है, इसमें कुछ भी नहीं है. ओके, सिर्फ हम लोग ये अलग क्यों है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग मशीन, दो मशीन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने परचेस किए थे. इन दिस थ्री ईयर्स वी आर परचेसिंग 3 मशीन्स. ओके, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम्स किए उसमें हम लोगों ने सिर्फ दो मशीन्स हम लोगों ने परचेस किए थे. पर अभी इस सम में इतना ही अलग है कि इस सम में हम लोग 3 मशीन्स परचेस करने वाले हैं, बाकी सारी मेथड इज गोइंग टू बी सेम. ओके, इनफैक्ट ये छोटू सा सम होने वाला है बहुत ही ज़्यादा. सो मशीन अकाउंट डेबिट क्रेडिट. ओके, नाउ हियर फर्स्ट इज डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिक्यूलर्स. ओके, JF जर्नल फोलियो. ओके, एंड अमाउंट. देन अगेन हियर डेट पर्टिक्यूलर्स JF एंड अमाउंट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर प्रेजेंस इज मिसिंग हियर स्टूडेंट्स, आई डू मिस यू. सो 2009 2010. ओके, नाउ सी ऑन 1st अप्रैल 2009 अ फर्म परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹80,000. सो हियर फर्स्ट इज अप्रैल फर्स्ट. कितना इजी है देखो, वी आर परचेसिंग. जब भी हम लोग मशीन परचेज करते हैं हमेशा हम लोग उसको डेबिट साइड में ही लिखते हैं. सो हियर आई विल राइट टू बैंक अकाउंट. कितने रुपीस को परचेस किया है? 80,000. ओके, ईयर का एंड कब है? ईयर का एंड है March 31st को. सी March 31st 2010 को ईयर क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है. और सेकेंड मशीन हम लोग कब परचेस कर रहे हैं? सितंबर में, राइट? मतलब दिस ईयर में हम लोग दूसरा मशीन परचेस नहीं कर रहे हैं. तो अभी यहाँ पे देखो, अप्रैल से लेके मार्च तक हम लोगों ने एसेट को क्या किया है? यूज़ किया है. तो डेफिनेटली एसेट का वैल्यू क्या होगा? कम होगा, राइट? तो यहाँ पे मैं लिखूँगी वर्किंग नोट. ओके, जब एसेट का वैल्यू कम होता है उसे क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, राइट? तो यहाँ पे देखो, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन वन.
ओके, बिकॉज अभी पता है हमें, हम लोगों ने ऑलरेडी सम रेट किया है, तीन तीन मशीन हम लोग परचेज कर रहे हैं, राइट। सी 80,000 का व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो अमाउंट कितना हुआ? 8,000 पर एनम। ओके सी, तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरे साल इस मशीन को यूज किया है, तो वैल्यू कितना होगा? 8,000। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ईयर के शुरुआत में मशीन का वैल्यू था 80,000, पूरे साल भर हम लोगों ने उस मशीन को यूज़ किया, तो यूज़ करने के बाद उसका वैल्यू कितना हुआ? बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, 80,000 माइनस 8,000, उसका वैल्यू बना 72,000, राइट। हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, नाउ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर कब शुरू हो रहा है? 10/11, ओके 10/11। दिस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, दिस ईयर का क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1st, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना होगा? 72,000, ओके। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इस ईयर हम लोग सिर्फ ये साल में हम लोग एक दूसरा मशीन भी परचेस कर रहे हैं। कब परचेस कर रहे हैं? सितंबर 30th को परचेस कर रहे हैं। सो अगेन, वेन एवर वी आर परचेसिंग, वी विल राइट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीस को परचेस कर रहे हैं? वी आर परचेसिंग फॉर 40,000, ओके। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कितने मशीन्स हैं? दो मशीन्स हैं। हम लोगों ने दोनों भी मशीन्स मार्च 31st तक, हम लोगों ने और तीसरा मशीन परचेस नहीं किया है, तो मार्च 31st तक हम लोग सिर्फ ये दो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। और हमें पता है जब हम लोग मशीन को या किसी भी एसेट को यूज़ करेंगे, उनका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। तो हियर आई विल राइट बाय डिप्रीसिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीन का डिप्रीसिएशन तो हमें पता है, ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज 8,000। नाउ सेकेंड मशीन का डिप्रीसिएशन, सो वर्किंग नोट नंबर 2, डिप्रीसिएशन फॉर सेकेंड मशीन, ओके। अभी यहाँ पे देखो, बेसिकली 40,000 का 10% कितना होगा? 00 कैंसिल, 00 कैंसिल विल बी 4,000 पर एनम। एम आई राइट? पूरे साल भर में 4,000 रुपीज से उसका वैल्यू क्या होगा? कम होगा। पर पूरा साल हम लोगों ने ये मशीन यूज किया? नो, हम लोग कब परचेज कर रहे हैं? सितंबर, वो भी लास्ट डे ऑफ द सितंबर। सितंबर गया तो हम लोगों ने मशीन को कितने मंथ्स यूज किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, राइट। तो हम लोगों ने एसेट को सिर्फ 6 मंथ्स यूज किया। सो फॉर 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन इज 4,000, तो फॉर 6 मंथ्स हाउ मच इट विल बी? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4,000 डिवाइडेड बाय 12, 2,000 विल बी फॉर 6 मंथ्स, राइट, इट विल बी 2,000। सो टोटल कितना होगा? 10,000, ओके। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आप 7 मंथ्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि सितंबर आपको कंसिडर ही नहीं करना है। वाई आर यू नॉट सपोज टू कंसिडर सितंबर? बिकॉज सितंबर के लास्ट डे को आप परचेस कर रहे हो, तो सितंबर गया, यू हैव टू टेक अ काउंट फ्रॉम अक्टूबर। अक्टूबर से लेके मार्च कितने मंथ्स आपने यूज़ किया है? 6 मंथ्स ही यूज़ किया है, तो एसेट का वैल्यू 6 मंथ से ही कम होगा, ओके। सी अभी यहाँ पे देखो, यू नीड टू डू द टोटल, 72,000 प्लस 40,000, टोटल विल बी 1,12,000। टोटल कितना होगा? 1,12,000, राइट। मार्च 31st को कितना बैलेंस बचेगा हमारे पास? 1,12,000 माइनस 10,000, 1,02,000 विल बी द बैलेंस, ओके। सेकेंड ईयर भी हुआ, नाउ थर्ड ईयर इज 11 एंड 12, ओके। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम दिस ईयर का ओपनिंग बैलेंस, कितना है वो? 1,02,000, ओके। अभी यहाँ पे देखो वो क्या कह रहे हैं, ऑन 1st April 2011 अनदर मशीन वी हैव परचेस्ड फॉर रुपीज 20,000। सो देखो, अभी स्टार्टिंग में ही हम
लोग और एक मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, कितने रुपीज़ को? 20,000 रुपीज़ को वी आर परचेसिंग, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम इट हम लोगों ने कोई भी मशीन परचेज नहीं किया है। तो अभी यहाँ पे देखो, March 31st को हमारे पास कितने मशीन्स होंगे? 3 मशीन्स होंगे। एक मशीन जो हम लोगों ने अप्रैल में परचेज किया है, सेकेंड मशीन जो हम लोगों ने September 2010 में परचेज किया है, और ये थर्ड मशीन जो हम लोगों ने April 1st 2011 में परचेज किया है। सो इन तीनों का भी डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज ये तीनों भी मशीन्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। अभी फर्स्ट मशीन तो हम लोगों को पता है डिप्रिसिएशन कितना होगा, डिप्रिसिएशन होगा 8,000। सेकेंड मशीन देखो, जब हम लोगों ने परचेज किया था उस ईयर हम लोगों ने 6 मंथ्स ही वो मशीन को यूज़ किया था, पर जब ये नया साल शुरू हुआ है, इन दिस न्यू ईयर, हम लोगों ने पूरे साल वो मशीन को यूज़ किया है, तो सेकेंड मशीन सेकेंड ईयर में हम लोग पूरा यूज़ कर रहे हैं, राइट? सो डिप्रिसिएशन वी विल टेक इट फॉर 12 मंथ्स, नॉट फॉर 6 मंथ्स, ओके? वी हैव टू टेक इट बिकॉज वी हैव यूज दैट मशीन फॉर द एंटायर ईयर। और ये जो भी थर्ड मशीन है स्टूडेंट्स, वो भी देखो हमारे पास स्टार्टिंग से है। सो थर्ड वर्किंग नोट विल बी डिप्रिसिएशन फॉर थर्ड मशीन 20,000 × 10/100। This zero will get cancelled. This zero will get cancelled. So amount will be 2,000 per annum. Okay. तो डिप्रिसिएशन कितना होगा? 2,000. सो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा? टोटल डिप्रिसिएशन होगा 14,000. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ईयर के स्टार्टिंग में हमारे पास कितने मशीन्स, कितने रुपीज़ के मशीन्स थे? 1,22,000. ओके, सो March 31st तक बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ओके, कितने रुपीज़ के मशीन्स डिप्रिसिएशन को डिडक्ट करने के बाद कितने रुपीज़ का अमाउंट हमारे पास रहेगा? 1,08,000 रुपीज़ के मशीन्स ही हमारे पास रहेंगे। उन्होंने हमें 3 ईयर का मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है। वी हैव डन दिस, सिर्फ हमें 4th ईयर की शुरुआत करके यहीं पर रुकना है। 2012-2013 विल बी अवर 4th ईयर। अगेन लास्ट ईयर्स क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम दिस ईयर्स ओपनिंग बैलेंस, 1,08,000। ओके, दिस इज गोइंग टू बी दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 7 इज कम्प्लीटेड। ओके, सी स्टूडेंट्स, हम लोग आपको ऑनलाइन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, होप आप समझ पा रहे हो। ऑन योर डिमांड्स वी आर ट्राइंग टू अडॉप्ट मेनी चेंजेस। कुछ सजेशंस हो, कुछ आप और हमें इसमें ऐड करने के लिए अगर आप चाहते हो, तो प्लीज़ कीप ऑन एडवाइजिंग, कीप ऑन टेलिंग फ्रॉम अस। ओके, डिप्रिसिएशन में फॉर दिस अकाडमिक ईयर हम लोग 2 मेथड सीखने वाले हैं। जो एक मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी शुरू की है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मेथड, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। सी, और 3 sums, मोर 3 sums वी आर गोइंग टू डू अंडर दिस मेथड। आफ्टर दीज थ्री मेथड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू मेथड, दैट इज अ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कीप अ ट्रैक, मेंटेन योर नोट्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।